रनिंग से पहले वार्म अप क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो मैं आपको साइंटिफिक और सिंपल तरीके से बताऊंगा, आप पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजिए। तो नंबर वन पे हम रखते हैं जंपिंग जैक्स को। जब आप जंपिंग जैक्स करते हैं तो आपके सारे जॉइंट्स प्रॉपर वर्क करते हैं, और जब आप जंपिंग जैक्स करते हैं या फिर रनिंग करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको हमेशा ब्रीद इन करना है आपके नोज से और ब्रीद आउट हमेशा आपको माउथ से ही करना है। उसके बाद नंबर टू है क्रॉस हैंड ब्लेड फॉर चेस्ट एक्टिवेशन। जब आप रनिंग करते हैं तो आपके चेस्ट मसल भी इंगेज होते हैं जिसकी वजह से आप फास्ट रनिंग कर पाते हैं। अपर बॉडी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फास्ट रनिंग के लिए, आपकी पूरी अपर बॉडी वर्क कर रही होती है, आपके शोल्डर, आपके चेस्ट, इसका बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद हमारा ये जाता है रोटेटर कफ। जब रोटेटर कफ का मूवमेंट करते हैं तो आपके जो रोटेटर में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा जो जॉइंट्स पाए जाते हैं वो रोटेटर कफ में ही पाए जाते हैं, तो उसका आपको बहुत ही ध्यान रखना होता है क्योंकि रनिंग करते टाइम आपके रोटेटर कफ बहुत ही ज़्यादा वर्क करते हैं। उसके बाद आता है आपका नंबर फोर टो टचिंग। जब आप टो टचिंग करते हैं तो आपके जो बैक में अगर स्टिफनेस वगैरह होती है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है उनके बैक में स्टिफनेस होती है, तो ये भी उन्हें करना चाहिए रनिंग से पहले। नंबर फाइव स्ट्रेच योर लेग्स। अगर आप आपके लेग को स्ट्रेच करते हैं जब आप रनिंग करते हैं तो रनिंग करने के बाद जैसे आप फॉरवर्ड भागते हैं तो आपके जो क्वाड्रिसेप्स होते हैं लेग्स के मसल वो एक्टिवेट होते हैं, वो वर्क करते हैं, तो इसलिए आपको कहा जाता है कि आप लेग्स का वर्कआउट हमेशा कीजिए, उसे कभी भी आप स्किप मत कीजिए। आपका लेग का स्ट्रांग होना आपकी ओवरऑल फिटनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, प्रॉपर करता है आपकी बॉडी को और आपकी फिटनेस को बनाए रखने के लिए, तो फ्रेंड आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट लेते हैं। जब कई बार आपने देखा आपके पेट में पेन होता है रनिंग करते टाइम, तो इसलिए होता है कि आपका जो ऑब्लिक्स है और कोर मसल वो आपके वीक होते हैं, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है और ज़्यादा ब्लोटिंग की वजह से भी होती है। तो आप ये क्रॉस रनिंग करेंगे उसके बाद में आप डाउन जाएंगे, उसके बाद में उसकी वर्कआउट हो जाएगी। नंबर एट पे हमारा लेता है क्रॉस एल्बो हाई नीस। जब आप क्रॉस एल्बो हाई नीस करते हैं तो आपके जो कोर मसल्स होते हैं ना ये पूरे एक्टिवेट हो जाते हैं जब आप रनिंग करते हैं, तो इनमें इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है फास्ट रनिंग करने के लिए। तो आप हमेशा वर्कआउट मतलब रनिंग से पहले आपको हमेशा 25 मिनिमम आपको ये रैप जरूर लगाने चाहिए। नंबर नाइन पे हमारा आता है हैमस्ट्रिंग मूवमेंट। आपके हैमस्ट्रिंग के अंदर तीन इंपॉर्टेंट मसल्स होते हैं, बाइसेप फेमोरिस, सेमी टेंडनोसिस एंड सेमी मेम्ब्रोनोसिस। ये तीनों मसल बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं जब आप रनिंग करते हैं, ये तीनों मसल इंगेज होते हैं, इनका स्ट्रॉन्ग होना और इनकी मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 10 पे मैंने रखा है स्टैंडिंग काफ को। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे आप बिल्कुल ध्यान से सुने। जब भी आप आगे की तरफ कदम बढ़ाते हैं, आप फास्ट दौड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर उसके पीछे रीज़न होता है हमारे गैस्ट्रोकनीमियस और सोलियस मसल का, जो कि होते हैं हमारे काफ मसल। आप अगर रनिंग से पहले अगर स्टैंडिंग काफ लगाते हैं तो वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। आपको हमेशा स्टैंडिंग काफ जरूर करनी चाहिए, चाहे आप रनिंग करें या फिर ना करें, आप जिम करें या ना करें, क्योंकि हमारे सोलियस मसल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ब्लड को पंप करने के लिए नीचे से लेके हार्ट की तरफ, तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। सो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको जो भी बताया ये सब ये मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपको बताया, मैं प्रोफेशनल जिम ट्रेनर। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए, पसंद नहीं आई तो इस वीडियो को आप डिसलाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब किए बिना आप ना जाइए, बिकॉज चैनल पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्थ से रिलेटेड आपको टॉपिक पर वीडियो मिलती ही रहेंगी। जब तक आप खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।